नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपके सामने झारखंड लैब असिस्टेंट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इनको लेकर के डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस पर अगर आप बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में एक वरदान से कम साबित ना हो, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और आज ये 15 क्वेश्चन लेकर के कर डिस्कशन करूंगा और 15वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल कहीं पर स्किप नहीं करिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिए और नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चंस को नोट करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नॉकिंग प्रॉपर्टी। तो हाईएस्ट नॉकिंग प्रॉपर्टी कौन सो करते हैं? तो सबसे कम नॉकिंग एंटी नॉकिंग कंपाउंड वो होते हैं जो आइसो ऑक्टेन का नाम सुना होगा, तो इसका मतलब ब्रांच तो नहीं हो सकते, यहाँ पर स्ट्रेट चेन ऑलिफिन्स पर हमें टिक करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं की एंटी हाई वैल्यू होगी, हाईएस्ट नॉकिंग वैल्यू होगी, लोएस्ट नॉकिंग मुझे जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिएगा, ये देखा जाएगा जो नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो रिलेटेड होती है नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ फ्यूल से, और ब्रांच चेन जो होते हैं उनकी लेस नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है तो स्टेट की हाई हो जाएगी। जैसे एनहेप्टेन का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, एनहेप्टेन एनहेप्टीन एग्जाम्पल दिया जा सकता है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद विच इज द मोस्ट बेसिक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक ऑर्डर होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन ये टिक कर लीजिए, और यहाँ पर जो बेसिक ऑर्डर होता है तो ऊपर से नीचे आने पर घटता है बढ़ता है सॉरी, तो यानी सबसे ज्यादा बेसिक यानी कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो NaOH से ज्यादा बेसिक KOH होगा, और KOH से ज्यादा बेसिक होगा आपका, KOH से ज्यादा कौन होता है बताइए, सबसे पहले तो LiOH छूट ही गया, LiOH सबसे कम, LiOH लगा दीजिए, LiOH सबसे कम हो गया, उसके बाद KOH हो गया, और उसके बाद आपका आ गया RbOH, Rb इसमें दिया नहीं, Rb लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और लास्ट में आ गया आपका सीजियम। तो सबसे ज्यादा बेसिक बेसिक फिर ये होना चाहिए, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, द मास ऑफ द BaCO3 प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू द थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ द 0.205 मोल ऑफ द BaOH का होल ट्वाइस। अब आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, अगला पेज में ले रहा हूं, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, BaOH का होल ट्वाइस लिख दिया और साथ में इसके अंदर CO2 बबल्ड कर दी, तो बन गया होगा आपका BaCO3, ध्यान दीजिए BaCO3 बन गया होगा, जिसने वाटर के साथ में रिएक्शन मतलब वाटर भी बनाया होगा, BaCO3 वाटर निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 0.205 मोल जो है वो BaOH का होल ट्वाइस जो है, BaOH का होल ट्वाइस कितने मोल, इसमें BaCO3 प्रेसिपिटेट कर रहा है, एक मोल से ये एक मोल हो रहा है, इसका मतलब इतने से इतने ही मोल बनेगा, ज्यादा और कम का सवाल ही नहीं उठता, तो ये BaCO3 तैयार हो गया आपका। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका वही मॉलिकुलर मास आता है, MM लिख देता हूं। अब ये बताइए वेट ऑफ सब्सटेंस कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर मास। अब मुझे ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.205 किसके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पूछ रहा है द मास ऑफ BaCO3 पूछ रहा है, तो BaCO3 निकल आएगा, तो यहाँ पर आपका वेट ऑफ BaCO3 ही रहेगा, तो ये मास जो है या वेट वेट ऑफ BaCO3 हो जाएगा, तो BaCO3 के मोल रख दीजिए, और मॉलिकुलर मास होता है 197.3 मल्टीप्लाई करके 40.5 ग्राम आ जाएगा आंसर, मिलाइए कौन सा होगा आंसर आपका, इसका बी सही होना चाहिए, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वुड गैस HCl इज कंसीडर्ड एज आरहीनियस एसिड, नहीं होती क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, और जब H पॉजिटिव आयन निकलेंगे
तभी उसी समय ये आरएनएस एसिड होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। द फार्मूला पोटास एलम पता है, दुनिया को पता है पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है, K2SO4.N2SO4 का होल थ्राइस .24S2 होता है, K2SO4 वाला ही पोटास एलम, पोटास ही उसमें आ रहा है इसलिए पोटास एलम ही नाम दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा, मैंने अभी लिखे नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ लिख लेता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं। 0.1 मोलल सुक्रोज दिया है, सुक्रोज दिया है। दूसरा 0.1 मोलल इथेनॉल दिया है, इथेनॉल दिया है। सी ऑप्शन 0.1 मोलल यूरिया दिया है। डी पॉइंट 0.1 मोलल ग्लूकोज दिया है। अब आपको ऑप्शन टिक करना है, आपको यहाँ बताऊंगा हाईएस्ट उसी का होगा जिसकी आई वैल्यू, तो ये आयनाइज नहीं होगा, ये आयनाइज नहीं होगा, ये आयनाइज नहीं होगा, यहाँ बेंट ऑफ फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बी ऑप्शन इसका टिक कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें आई की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगा और आई की वैल्यू जो होगी वो इथेनॉल के लिए ही ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इथेनॉल की वजह से ये आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू। तो यहाँ पर है नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू, वैल्यू ठीक है ना, सेम वैल्यू ऑफ डैश डैश और आगे दिया है क्वांटम नंबर्स। तो मेरे हिसाब से आंसर साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। पहला ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और 4 ऑप्शन जो है यानी डी ऑप्शन, इसे कर देता हूं 3 और डी ऑप्शन कर देता हूं, तो यहां 4 फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फार्मूला ऑफ मिनरल बोरेक्स, द फार्मूला फार्मूला ऑफ मिनरल बोरेक्स इज, अब मिनरल बोरेक्स फार्मूला क्या है, ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन है Na2 B4O7, दूसरा बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है Na2 B4O7.4H2O दिया है, सी ऑप्शन दिया है Na2B4O7.5H2O, डी ऑप्शन दिया है Na2B4O7.10H2। शायद आंसर मिल गया होगा आपको, यही आंसर ही है इसका जो मैंने अभी लिखा है, ये फार्मूला होता है इसका, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट पे और इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए आपको मजा आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, यानी कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में पहला ऑप्शन दिया है, बता देता हूं CH, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर H लगा है, यहां बैलेंसी पूरी हो गई है, कुछ ज्यादा ही पूरी हो गई, यहां पर H लगा है, नीचे भी H, नीचे Cl लगाया गया है और आगे आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लगाया गया है। बी ऑप्शन दिया गया है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ऊपर एच लगाया है, नीचे सी एल लगाया है,
आगे CH3 लगाया है, एक कंपाउंड ये है, उसके बाद एक कंपाउंड सी उठाया है, CH CCC सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर Cl, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन भी इन्होंने दिया है और दिया है HCCC, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH2 लगा, यहाँ से बताइए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए इसमें सेंट्रल कार्बन ये वाला है जहां पर मैं स्टार बना रहा हूँ, और इस कार्बन पर नोटिस करना है तो सी ऑप्शन तो इसमें वैसे ही कट हो गया, दो हाइड्रोजन हो गए। बी ऑप्शन में ये ग्रुप अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग, मतलब ऑप्शन मुझे बी ही दिख रहा है। इन दोनों में ये दोनों सेम हो जाते हैं, इन दोनों में अगर देखोगे तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पॉसिबिलिटी वैसे ही नहीं दिखाई दे रही है, तो सिंपल सा इसका ऑप्शन आप बी लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसको लिखते चले जाइए, आपको अच्छा लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव लार्ज साइज, तो यहाँ लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लार्ज साइज, किसका साइज लार्ज है, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आपके सामने एफ नेगेटिव दिया है, बी ऑप्शन आपके सामने ओ डाई नेगेटिव दिया है, सी ऑप्शन आपके सामने एल ट्राई पॉजिटिव दिया है, डी ऑप्शन आपके सामने N3 नेगेटिव दिया है। तो अब आपके सामने साइज बड़ा होने का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन 9 है, प्रोटॉन 8 है, प्रोटॉन 13 है, प्रोटॉन 7 है, सबसे कम प्रोटॉन यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी, 10 सबसे कम प्रोटॉन जहां होंगे वही न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और आंसर पर डी आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा पैरामैग्नेटिक, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ए ऑप्शन आपके सामने B2 दिया है, बी ऑप्शन आपके सामने C2 दिया है, सी ऑप्शन आपके सामने N2 दिया है, डी ऑप्शन आपके सामने F2 दिया है। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही पैरामैग्नेटिक होगा, तो आपको साफ पता है कि यही पर अनपेयर्ड होते हैं, B2 में चेक भी कर लीजिएगा यही आएगा। यहाँ पर समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ कि इससे ये आपको ऑलरेडी पहले से जानकारी इस क्वेश्चन की होगी जहां तक इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सॉल्ट शोज द मैक्सिमम कोवेलेंट, द फॉलोइंग सॉल्ट, द फॉलोइंग सॉल्ट शो मैक्सिमम कोवेलेंट, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला ऑप्शन दिया है AlCl3, दूसरा ऑप्शन दिया है MgCl2, तीसरा ऑप्शन दिया है CsCl, चौथा ऑप्शन दिया है LaCl3। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर साइज, भाई क्लोरीन का बड़ा है, एल्यूमिनियम का छोटा है, तो फैजान रूल लगाइए मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर आपको यही दिखाई देने लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ गया देख करके। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10, 11, 12 के बाद 13, एक क्वेश्चन नंबर 13 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड विद एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज नोन एज, इज नोन एज, पहला है ए ऑप्शन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
बी है वुड्स रिएक्शन, सी है बैकमैन्स रिअरेंजमेंट, और डी ऑप्शन आपके सामने है कोलवेज कोलवेज सिंथेसिस। देख लीजिए तो इसका मतलब यही फीडल क्राफ्ट में ही होता है भाई। अगर फीडल क्राफ्ट रिएक्शन को आप जानना भी चाहें तो यही है कि भाई ये मैंने ले लिया एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ CH3Cl से, एल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 रहता है, प्रोडक्ट आपको टॉलिन पता है, तो ये फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले आइए। 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि द कंपाउंड इन विच द कैटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यहां लिख देता हूं द कंपाउंड इन विच कैटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एनायन, किस एनायन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कैटायन विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एनायन। तो यहां पर लिखा है ए पार्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो ए पार्ट में क्या लिखा है वो भी आपको बताने जा रहा हूं, वो भी बताने जा रहा हूं। यहां पर नोटिस करिए, ए पार्ट में NaCl है, बी पार्ट में चले आइए CSF है, सी पार्ट में चले आइए NaI है, डी पार्ट में चले आइए K2S। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर 2K पॉजिटिव है, मतलब K पॉजिटिव का मतलब हो गया 19 में से एक कम कर दीजिए, 19 में से 18 हो गया, 18 दूनी यहाँ पर हो गया आपका 18, ये 19 में से एक कम कर दो, दो पॉजिटिव है तो दो, उसका मतलब ये हो गया K2S की बात करें, कह रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आना चाहिए। तो पोटेशियम में 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में दो नेगेटिव आ जाएंगे, 16 और 2 18, ठीक है यही हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर नंबर डी आप टिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे लगा दीजिए। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच ऑफ 0.1 मोलर, पीएच ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया NH3 एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आंसर दे रखा है, पहले तो केबी दिया है ब्रैकेट में, केबी की वैल्यू नोट करवा देता हूं, 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस 5, ये वैल्यू नोट कर लीजिए, और ऑप्शन में नोट कर लीजिए, पहला है 11.13, दूसरा है इसका 12.5, उसके बाद है सी ऑप्शन 13.42, डी ऑप्शन आपके सामने है 11.85। तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं समझूंगा कि मेहनत आपने की। फिलहाल मैं आपको हिंट यहां दिए दे रहा हूं कि अगर मैं अमोनिया को पानी में एक्वा सोल्यूशन बनाता हूं तो NH3 हो जाएगा, साथ में वाटर मिल जाएगा और ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव आयन, साथ में OH नेगेटिव आयन। केबी की वैल्यू दे रखी, इसलिए फार्मूला बिल्कुल सेट है कि NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर NH3 हो जाएगा, वाटर की कंसेंट्रेशन 1 मानी जाती है। इसे मैं केबी की वैल्यू नोट कर देता हूँ, केबी की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू द माइनस 5 दे रखी है ना। पीएच आप, तो पीएच का मतलब एच पॉजिटिव आयन पूछा गया, तो यहाँ सबसे पहले मुझे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर करनी पड़ेगी, यानी इसे मैं एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, एक और एक दोनों, इसे एक्स मान लेता हूँ, इसे भी एक्स मान लेता हूँ। अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 6 हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू जो आएगा
वो आ जाएगा 1.35 इनटू 10^-3 जो OH आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। और OH आयन की कंसंट्रेशन भाई जो वैल्यू इसकी वही इसकी, तो OH आयन, तो OH आयन की कंसंट्रेशन इतनी आ गई। तो अब आप जान रहे हैं कि H पॉजिटिव भाई इससे हम लोग क्या निकाल देंगे, POH निकाल देंगे। तो POH इज इक्वल टू होता है, POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन होता है। इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, माइनस लॉग 1.35 इंटू 10^-3 इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, वैल्यू मेरी आ रही 2.87। इसको मैं पीएच निकाल लेता हूं, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच होता है। आप समझदार हैं, 14 माइनस 2.87 हो जाता है, तो ये आंसर आपका 11.3 वाला कोई ऑप्शन है, एक ही और ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके सामने। तो इस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, और अगर आप इन ऐसे ही क्वेश्चन से वाकिफ होना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और हमारे ऐप पर जा सकते हैं आप। ऐप पर पूरी डिटेल मिलेगी, ऐप का नाम भी आपको बता दे रहा हूँ, ऐप का नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ। प्ले स्टोर पर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसका आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, जिसमें एक पीजीटी का बहुत ही बेटर कोर्स है जो आपका 1999 में है, एक आपका केवल टेस्ट सीरीज ही है, टेस्ट सीरीज आपकी केवल 999 में ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप राजस्थान या टीजीटी के नोट्स चाहते हैं, तो यहाँ पर टीजीटी के नोट्स भी अवेलेबल है, यहाँ पर टेट की टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, यहाँ पर सीटेट की टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, यहाँ पर आपको राजस्थान के एग्जाम पीजीटी केवी पीजीटी के डिफरेंट मेरे केमिस्ट्री के अलावा भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो अगर आप इन सबसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल ना करिएगा, केवल व्हाट्सएप करिएगा 9473702711, इस पर व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप कॉल न करके व्हाट्सएप करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा, और क्या चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, तो फिर आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी, प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाकर के अपने चैनल से लोगों को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों को, जिससे कि वो भी पीजीटी की तैयारी कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।